नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में देखिए फूड फोर्टिफिकेशन वाला इश्यू काफ़ी दिन से न्यूज़ में चल रहा है ये आपके मेंस की पर्सपेक्टिव में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान दीजिएगा फोर्टिफिकेशन के बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्स्पेक्टिव में वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज़ में क्यों आया था व्हाट्स द एक्चुअल इश्यू वो डिस्कस करेंगे एंड फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बेसिक डिटेल्स फिर व्हाई डू वी नीड हमें फूड फोर्टिफिकेशन क्यों चाहिए होता है फिर इसके एडवांटेजेस क्या क्या है डिसएडवांटेजेस क्या क्या है एंड फाइनली कंक्लूजन तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो जो बटन के थ्रू देखिए न्यूज में क्यों आया था रिसेंटली अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर आशा किशन स्वराज हैज़ रिटर्न टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू अबोट द प्लान टू मेक सिंथेटिकमिकल फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स मैंडेटरी इन इंडिया देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है कि फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स को मैंडेट्री करने के लिए अब ये फोर्टिफिकेशन क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा पहले हम न्यूज देखते हैं तो बेसिकली न्यूज आया था कि अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर के कुछ रिप्रजेंटेटिवज ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक खत लिखा है उन्होंने ये बोला कि आप जो मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन का प्लान जो बना रहे हो ना वो मत करो ठीक है इंडियन गवर्नमेंट प्लानी इंडिविजुअल रोड टू एफ एस एस ए आई तो काफी लोगों ने एफ एस एस आई को लेटर लिखा है कि जो मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन वाला प्लान जो आप कर रहे हो ये मत करो ठीक है सबसे पहले यह समझ लेते हैं फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है देखिए It is the practice of adding vitamins and minerals to commonly consumed foods during processing to increase their nutritional value. तो बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स में उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए जब न्यूट्रियस को आर्टिफिशियली एड करते हैं इसी को फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं और ये करता क्यों है देखिए हमारे देश में कई लोगों में माइक्रो न्यूट्रिय डिफिशियंसीज हैं जैसे किसी में आयन डेफिशियंसी है किसी में विटामिन ए की डेफिशियसी है विटामिन बी की डेफिशियसी है कई सारे मिनरल्स की डिफिशियंसी है और आपने बेसिक एनसीआर में ये तो पढ़ा होगा एक एक न्यूट्रिय की डिफिशियंसी से एक एक डिजीज भी होता है जैसे वाइटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है आयन की डिफिशियंसी से अनिमिया होता है यह सब आपने पढ़ा होगा ना तो इन डिफिशियंसीज को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है फूड फोर्टिफिकेशन करो मतलब आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दो और कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स में ऐड करते हैं जो मोस्ट कंज्यूम फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे राइस हो गया वीट हो गया मिल्क हो गया ऑयल सॉल्ट इन सब में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं अब ये सॉल्ट में क्या ऐड करते हैं आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देखा होगा आइडिन ऐड आड़ करते हैं आजकल जो पैकेट ऑफ सॉल्ट हम खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है ना आइडाइज सॉल्ट है करके तो वो सॉल्ट कंज्यूम होने से हमारे शरीर में आइडिन का कंटेंट चला जाएगा तो आइडिन की डिफिशियंसी नहीं होगी तो इसी तरह मोस्टली कंज्यूम्ड फूड प्रोडक्ट्स में इस तरह न्यूट्रिएंट्स को जब आर्टिफिशियली ऐड करते हैं ना दोस्तों इसी को बोलते हैं अक्टूबर 2016 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक फोर्टिफिकेशन ऑफ तो इन्होंने क्या क्या स्टेपल्स लाया था मतलब जो है, उसको में करने का लिया था जैसे वीट एंड राइस में आयन विटामिन बी एंड फोलिक एसिड ठीक है क्या क्या ऐड करेगा विटामिन बी एंड फोलिक एसिड एंड आयन मिल्क में क्या करेगा विटामिन ए एंड डी एडिबल ऑयल में भी विटामिन ए एंड डी डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में क्या होगा आयोडीन एंड आयन तो ये सब मोस्टली कंज्यूम फूड है हमारे स्टेपल फूड हम बोल सकते हैं इंडियंस मैक्सिमम राइस खाते हैं या गेहूं खाते हैं एंड सोल्ट तो सभी को खाना ही है दूध सबको पीना ही है ऑयल तो हमारे हर सब्जी में ऑयल के साथ ही बनता है तो इन सब में अगर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे तो इन न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे शरीर में चला जाएगा अब कैन आप ये भी सोच रहे होंगे नॉर्मली सब खाने से न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाएगा ना तो ये क्यों करते हैं ऐसा नहीं मिलता है दोस्तों ठीक है हमारी जो 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 डाइट डाइट है है उस वो वो हमारी नॉर्मल कहना हमें जो चाहिए होते हैं पूरे मिल नहीं पाता है और कुछ लोग जो है एक ही टाइप का खाना खाते रहते तो, तो कुछ मिनरल्स की डिफिशियंस हो जाते हैं तो इसकी हिस्ट्री भी तो है हमारे हेल्थ सर्वे में ये दिखा है हमारे लोगों में कई सारे मिनरल्स की डिफिशियंज है तो इसको दूर करने के लिए इसी तरह न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में चला जाएगा अगर हम ये सब खाने से ठीक है और नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी ने थाउजेंड सेवेंटीन में गवर्नमेंट नेोर्टिफिकेशन वन ऑफ द इंटरवेंशन टू एड्रेस देखिए हमारे देश में जो एनीमिया विटामिन ए की डिफिशियंसी आयरन डिफिशियंसी इन सबको दूर करने के लिए नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटी 2017 में फूड फोर्टिफिकेशन को ही लिस्ट किया था बोरा फूड फोर्टिफिकेशन करने से ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा ठीक है अब देखिए व्हाई डू वी नीड इत फूड फोर्टिफिकेशन क्यों करना चाहिए एक बात आपको मैं बताऊं जब भी आपकी आंसर रेटिंग में अगर आप कोई जेन्य रिपोर्ट कोट करोगे जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का के बारे में लिखा हुआ है तो यह सब आपको ज्यादा मार्क्स देने में हेल्प करेगा ठीक है देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का एक है, वो ये बोल रहा है एंड फोर्टी परसेंट ऑफ प्रेगनेट वीमन वर्ल्ड वाइडिक ठीक है मतलब पांच साल के नीचे जो बच्चे हैं उन्हें वर्ल्ड वाइड दुनिया में जितने भी प्रेग्नेंट वीमन है उनमें फोर्टी परसेंट में हमेशा अनिमिया होता है अब अनिमिया क्या होता है रेड ब्लड सेल्स की जब डिफिशियंसी होती है ना तब अनिमिया होता है और अनिमिया होता क्यों है क्यों आयन की डिफिशियंसी से अनिमिया होता है तो इतने न्यूट्रिय डिफिशियंसी है दुनिया में इसलिए फूड फोर्टिफिकेशन जरूरी है यह डब्ल्यूएचओ का कहना है एंड एक्सपर्ट्स का कहना यह है डिफिशियंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिय नोन एज हिडन हंगर देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये जो माइक्रो न्यूट्रियन डिफिशियंसी को हिडन हंगर भी बोलते हैं एंड इट इज ए सीरियस हेल्थ रिस्क एक सीरियस हेल्थ रिस्क भी है तो फोर्टिफिकेशन करके इस तरह की माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिय को एड्रेस करना बहुत जरूरी है देखिए और एक रिपोर्ट कहता है राइस जो है इंडिया का स्टेबल फूड है इंडियन पॉपुलेशन में 67 जो है राइस खाते हैं अब अगर आप राइस को फोर्टिफाई करोगे तो जो मेजर न्यूट्रिय डिफिशियंसी है आयन का वो दूर हो जाएगा है नहीं मैंने आपको क्या बोला था एफ ने राइस में कैसे फोर्टिफाई करने का एक तो विटामिन बी और आयन एंड फोलिक एसिड ये सब अंदर जाने से हमारी जो आयन है वो दूर हो जाएगा एंड एनीमिया से हम बच सकते हैं ठीक है थीके? अब देखिए मेटेनल एंड चाइल्ड अंडर अंडर न्यूट्रिशन ऑफ ऑल डेथ्स इन इन चिल्ड्रन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज देखिए लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में जो मेटेनल एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन डेथ जो होता है इसके फोर्टी फाइव परसेंट होता है किस लिए की वजह से अब इससे ज्यादा कोई रीजन चाहिए क्या दोस्तों फोर्टिफिकेशन क्यों होना है अब देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंज आर ड्यू प्राइमरली ड्यू टू प्राइमरलीट इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स एंड न्यूट्रिएंट लॉसेस ड्यू टू प्योर डायट्स इन्फेक्शन ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज तो देखिए ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होता क्यों है ये भी इंपॉर्टेंट है एक तो ये बोल रहा है इनएड्युएट इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब हम अच्छा खाना नहीं खाते जिसमें न्यूट्रिएंट रिच है दूसरा ये है इन्फेक्शंस की वजह से न्यूट्रिएंट लॉस हो सकता है एंड ब्लड लॉस लड़कियों में जब मेंस्ट्रुएशन होता है बेसिकली लेडीज में जब मेंस्ट्रुएशन होता है जब तब जो ब्लड लॉस होता है ना उससे भी न्यूट्रिएंट का लॉस होता है तो वो लोग इतना न्यूट्रिएंट्स लेते नहीं है जितना उनके शरीर से लॉस हो जाता है सेवेंटी परसेंट ऑफ पीपल इन इंडिया डू नॉट कंज्यूम एनफ माइक्रो न्यूट्रिय विटामिन मिनरल्स देखिए ये रिपोर्ट ये भी कहता है इंडिया में सेवेंटी ऑफ पीपल जो है सेवनटी लोग जो है इनफ माइक्रो न्यूट्रिय कंज्यूम नहीं करते तो ये सब रिपोर्ट क्या कहता है क्या समझाते है हैं हमें फूड फोर्टिफिकेशन एक जरूरी चीज है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ एव एडोप्टेड फोर मेन स्ट्रेटेजी फॉर इंप्रूविंग डायट्री इनटेक आप देखिए एंड एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर चार स्ट्रेटेजी बनाया है ये जो माइक्रो न्यूट्रिय डिफिशेंसी को दूर करने के लिए एक तो फूड फोर्टिफिकेशन करो दूसरा माइक्रो न्यूट्रिय सप्लीमेंटेशन करो दूसरा न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस एजुकेशन ये सब करो एंड डिसीज कंट्रोल से वो भी करो मतलब डिजीज आने कंट्रोल करने के लिए जितने भी मेजर्स एडोप करने के लिए वो भी करो पर इसमें सबसे पहला क्या है फूड फोर्टिफिकेशन है अगर फूड फोर्टिफिकेशन ठीक से करोगे ना तो ये न्यूट्रिएंट डिफिशेंसी जो है ये दूर हो जाएगा काफी लोग बच सकते हैं न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से जो डेथ्स होते हैं जो डिजीजेस होते हैं इसमें से राइट अब देखिए और एक पॉइंट ये कहता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब हुआ था इंडिया में तब इंडिया का हाल पता चल गया इंडिया में 58.4 परसेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है वो अनिमिक है मतलब इनमें आयन की डिफिशियंसी है एंड 53.1 थ्री वीमन मतलब आधा से ज्यादा वीमेन जो है वो भी अनीमिक है एंड थर्टी ऑफ चिल्ड्रन अंडर फाइव जो है वो अंडर है तो इस तरह की न्यूट्रियन डिफिशियंसी से जो डिसीज होता है उससे इंडिया ऑलरेडी परेशान है ठीक है अब दोस्तों देखिए इसके एडवांटेजेस क्या क्या है एक तो हिस्टोरिकली फूड फोर्टिफिकेशन जो है एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है यूनाइटेड स्टेट जैसे डेवलप कंट्रीज में यह फूड फोर्टिफिकेशन किया था और उधर कॉमन डिजीजेस दैट आर कॉज बाय न्यूट्रिएंट डिफिशियंज न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से जो कॉमन डिजीजेस है ना जैसे रिकेट्स हो गया जो वाइटामिन डी से होता है डिफिशियंज होता है पेलाग्रा हो गया जो वाइटमिन बी के से होता है दे हैव बीन वर्चुअली एलिमिनेटेड ये कंप्लीटली एलिमिनेट ही कर दिया ये प्रॉब्लम अभी यूज में ही नहीं उन्होंने पहले से ही यह फूड फोर्टिफिकेशन किया था ठीक है अब देखिए इसका और एक एडवांटेज ये है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फोर्टिफिकेशन आर एक्सट्रीमली लो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है ये बेसिकली ज्यादा पैसे नहीं लगता है फूड फोर्टिफिकेशन करने में द प्राइस इंक्रीज इज अप्रोक्सिमेटली वन टू टू परसेंट ऑफ द टोटल फूड वैल्यू ठीक है टोटल फूड वैल्यू का केवल एक से दो परसेंट ज्यादा हो जाता है फूड फोर्टिफिकेशन करने से एंड इट डज इन रिक्वेयर एन एडजस्टमेंट इन द इंडिविजुअल एंड यूटिलाइजेशन डिजाइन ठीक है कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है कोई भी ये खा सकता है ऐसा नहीं कि ये खाने के लिए कोई स्पेशल रूटीन फॉलो होना ऐसा कुछ नहीं है तो कुल मिला के इसके एडवांटेजेस कहीं ज्यादा है ठीक है और ये चाहिए भी है और ये स्लाइड में आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम में तब आप ये सब पढ़ लीजिएगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स वगैरह दिया हुआ है जिसमें ये सब दिखाया है वाइटामिन डी मिल्क से मिलेगा फोर्टिफाई करने से बीट में एंड फोलिक एसिड वाइटामिन बी वगैरह तो ये सब आप देख लीजिएगा ठीक है एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ठीक है टेज भी ये भी लिखना जरूरी है एडवांटेज के साथ साथ लिखना होगा देखिए क्या कि... सबसे पहला तो दया नॉट ए सब्सिट्यूट फॉर ए गुड क्वालिटी डायट दैट एडिक्वेट एडिकुएट्स ऑफ एनर्जी प्रोटीन एसेंशियल फैट्स देखिए फोर्टीफ का एडवांटेजेज तो मैंने आपको बता दिया पर यह कोई सब्सटीट्यूट नहीं है अगर आपकी डायट जो है अच्छी क्वालिटी का है आपके डेली डाइट से आपको सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोटीन एसेंशियल फैट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिल रहा है तो आप वही डाइट को फॉलो कीजिए आपको फोर्टिफाइड फूड खाने की जरूरत क्या है तो कभी भी फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स जो है एक गुड क्वालिटी डाइट का कंपेरिजन नहीं आएगा ठीक है यह पहला पॉइंट दूसरा यह बोल रहा है कि पूरे सेगमेंट्स ऑफ जनरल पॉपुलेशन हैव रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू फोर्टिफाइड फूड्स देखिए मार्केट में जब फोर्टिफाइड फूड्स आएंगे फूड पैकेट आएंगे ये जो गरीब लोग हैं वो खरीद नहीं पाएंगे उनका इतना परचेसिंग पावर नहीं है उनके पास इतने पैसे नहीं है फोर्टीफाइड फूड्स खरीदने का पर देखिए दोस्तों ये प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट दूर करेगा गवर्नमेंट का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से इनके थ्रू जो बिलो पॉवर्टी लेंगे लोगों के लिए कई सारे पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स लेके आया है तो ये दूसरा प्रॉब्लम जो है दूर हो सकता है ठीक है और क्या है इन सम केसेस स्पेशली इन मार्केट ड्रीवन फोर्टिफिकेशन मैन्युफैक्चर्स में फोर्टिफाई हाईली जंक एंड रिलेटिवली अनहेल्थी फूड्स ये प्रॉब्लम हो सकता है पर इसके लिए भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेके आएंगे वो अलग बात है देखिए जो मैन्युफेक्चर्स है फूड मैन्युफैक्चर से वो ऐसे ऐसे चीजें फोर्टिफाई कर सकते हैं जो जंक है जो लो क्वालिटी के इट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स जो अच्छे टेस्ट का है जो जंक फूड बोलते हैं ना दोस्तों जिसका टेस्ट अच्छा होता है पर हमारे सेहत के लिए सही नहीं होता है तो जो फोर्टिफाई करते हैं न्यूट्रिय वो भी तो अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए है नहीं तो ये प्रॉब्लम इंडिया में हो सकता है क्योंकि कई सारे ऐसा इंस्टेंसेस देखने को मिला है हमारे देश में अडल्ट्रेशन का ये एक प्रॉब्लम है पॉजिटिव इफेक्ट्स होगा इन फूड्स इज फोर्टिफिकेशन दिस इज ऑल्सो ए डिसएडवांटेज शेल्फ लाइफ क्या होता है आपने सुना होगा ना हर प्रोडक्ट का एक शेल्फ लाइफ रहता है मतलब ये कितने दिन तक अच्छे कंडीशन में रह सकता है ये जो शेल्फ लाइफ है ये हर प्रोडक्ट्स के लिए होता है फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है तो इसकी जो शेल्फ लाइफ कम हो जाएगा फोर्टिफाई करने से मतलब जल्दी यूज करना पड़ेगा ज्यादा दिन के लिए ये रख नहीं पाएगा तो ये भी एक डिसएडवांटेज है ठीक है तो दोस्तों अब तक हमने राइस फोर्टिफिकेशन का एडवांटेजेस क्या क्या है डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो सारी चीजें डिस्कस किया अब हमारा गवर्नमेंट क्या करने वाला है देखिए लास्ट जनवरी में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ड्राफ्ट रेगुलेशन पब्लिश किए गए उनका प्लान ये है मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन ऑफ एडेबल ऑयल एंड पैकेज मिल्क जो एडिबल ऑयल है एडिबल मतलब जो खाते हैं हम एडिबल ऑयल एंड पैकेज मिल्क उसको मैंडेटरी फोर्टिफाई करना होगा विटामिन ए एंड डी से ऊपर से दो हजार चौबीस से गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग मेकिंग राइस फोर्टिफिकेशन जो राइस फोर्टिफिकेशन है वो भी मैंडेटरी करने वाला है किसे विटामिन बी ट्वेल्व आयन एंड फोलिक एसिड से ठीक है एंड ऊपर से गवर्नमेंट ने एक पायलट स्कीम ऑलरेडी स्टार्ट किया है पायलट स्कीम मतलब क्या होता है अब हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसीज में ये पढ़ते होंगे पायलट स्कीम करके देखिए पायलट स्कीम वो होता है दोस्तों एक बड़ा सा स्कीम लॉन्च करने से पहले मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्कीम ऑल ओवर इंडिया लॉन्च करना है उससे पहले वो टेस्ट करके देखेंगे इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होना है मतलब ऑल ओवर इंडिया एक साथ ये स्कीम को लॉन्च करने से पहले वो पहले कुछ स्टेट में से कुछ डिस्ट्रिक्स डिस्ट्रिक्स को चुनेंगे उधर ही इंप्लीमेंट करके देखेंगे और देखेंगे कितना सही तरीके से हो रहा है या नहीं इसी को पायलट स्कीम बोलते हैं तो गवर्नमेंट पिछले तीन साल से पायलट स्कीम चला रहा है राइस फोर्टिफिकेशन का पंद्रह स्टेट्स में एक एक डिस्ट्रिक्ट करके वो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ठीक है साइटिंग एनीमिया एंड माइक्रो न्यूटिशंसी इन इंडिया देखिए इंडिया में माइक्रो न्यूट्रन डिफिशियंसी तो है यह मैंने आपको पहले ही बोला था अनिमिया का प्रॉब्लम है ये भी मैंने आपको बोला था तो ये सब प्रॉब्लम को साइट करके गवर्नमेंट ऑलरेडी एक पायलट स्कीम इंप्लीमेंट किया है रहा है पंद्रह स्टेट में एक एक डिस्ट्रिक्ट में ठीक है? Government schools में से, उसमें already fortified rice दिया जा रहा है ठीक है ये समझ लीजिएगा मिड डे मील स्कीम ऑलरेडी फोर्टिफाइड राइस है बच्चों को न्यूट्रिएंट रिच ही मिल रहा है अच्छी बात है अब देखिए दोस्तों इसमें और एक चीज में बताऊंगा जो राइस फोर्टिफिकेशन है ना ये होता कैसा है ऐसा नहीं कि पाउडर मिला दिया न्यूट्रिएंट्स का और दे दिया ऐसा नहीं होता फोर्टिफाइड राइस कैसे होता है दोस्तों राइस को पाउडर बनाएगा एक ग्राइंडर में डाल के और जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी जैसे दस ग्राम प्रोटीन दस ग्राम कोई विटामिन ऐसे लेते हैं वो भी पाउडर टाइप का बना के दोनों को मिक्स करते हैं ठीक है राइस प्लस न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करते हैं पाउडर बना के इसके बाद इसको राइस के रूप में छोटे छोटे कर्नल बना के देते हैं फिर उसका Novel जो राइस बनाते हैं ना वैसे बॉईल करके दे, दे देगा। देखिए ये जो दिख रहे हो ना फोर्टिफाइड राइस आपको राइस जैसे नहीं दिखेगा थोड़ा सा बड़ा दिखेगा एक्चुअली ये बनाते आर्टिफिशियली इस रूप में ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कोई पाउडर मिला दे। मैंने आपको बोला ना पहले राइस पाउडर को राइस को पाउडर बनाएगा एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी पाउडर होगा दोनों को मिक्स करेगा फिर उसका राइस टाइप का छोटे छोटे बनाएगा इसको कैनल बोलते हैं ठीक है अब देखिए अप्रैल से मील्स की तो बेसिकली हमारे मिड डे मील स्कीम में ऑलरेडी दिया जा रहा है एंड क्या कंसर्स इतने सारे को कैसे पहुंच गया इन लोगों का कंसर्न है ए जो केमिकल फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज नॉट ए सोल्यूशन एस न्यूट्रिय डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन बट नीड ईच अदर फॉर ऑप्टीमल ऐसे केमिकल फोर्टिफिकेशन मतलब जो मिनरल को आप फोर्टिफाई करते हो ना ऐड करते हो इस ये काम नहीं करने वाला ये इनका कहना है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे काम नहीं करते आप इस तरह मिला के दे दोगे ये काम नहीं करेगा ये आपको नेचुरल वे में आना होगा जैसे हम अच्छे क्वालिटी का फूड खाते हैं ना जो नॉर्मली जो बच्चे को मिलता है वैसे ही आना है ऐसे केमिकली कोई मिक्स करके ये काम नहीं चलेगा ये इनका कहना है दूसरा यह है इफ एफ एस एस आई रिलीज ऑफ फोर्टिफिकेशन वास्त एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी देन हाउ इट हैज बिकम मैंडेटरी नाउ वाइल डायटरी डाइवर्सिटी एंड अदर होलिस्टिक अप्रोचेस टू मैड ऑप्शन ऑप्शन तो बेसिकली देखिए एफ एस एस आई पहले इनके रेगुलेशंस में यह बोला था ये जो फोर्टिफिकेशन है ना मतलब फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स जो देते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब एक्स्ट्रा हेल्थ के लिए एक सप्लीमेंट्री डाइट है ये कोई मैंडेटरी नहीं था और आप ही के लिए बहुत जल्दी से इतने सालों से प्रॉब्लम चल रहा था देश में न्यूट्री न्यूट्रिशन डिफिशियंसी का तो अभी ये सडनली प्रॉब्लम कैसे आ गया एफ ने पहले से ये बोला है दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी फोर्टिफिकेशन एक कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब एडिशनल है अभी ये मैंडेटरी कैसे होगा ये पूछ रहा है ठीक है तो ये सब कंसर्न बेसिकली इस लेटर में लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट अभी डिसाइड करेगा तो क्या करना है नहीं करना है आप दोस्तों फाइनली एक कंक्लूजन देखिए हमारे देश में जब भी कोई चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो एजुकेशन से रिलेटेड हो या ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड हो कुछ लोग हमेशा इसका सपोर्ट करते हैं एंड कुछ लोग विरोध करते हैं अब विरोध होना भी चाहिए क्योंकि तब आपको पता चलेगा इसका ड्रॉबैक्स क्या क्या है अब ये फोर्टिफिकेशन वाली जो चीज है मतलब गवर्नमेंट जो मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन लेके आने वाला है जो हमारे स्टेपल फूड्स में जैसे राइस व्हीट मिल्क ऑयल्स एक्सेट्रा इसमें भी काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं उनके कंसर्न्स क्या क्या मैंने आपको पहले ही बता दिया अब देखिए इनका कहना ये है आप फोर्टिफिकेशन के सिवा क्वालिटी ऑफ डाइट को इम्प्रूव कराइए मतलब इंक्रीजिंग द इनटेक ऑफ फूड्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज एंड फ्रूट्स वुड बी मोर हेल्पफुल आपके डाइट में आप एनिमल सोर्सेज को इंक्लूड कीजिए एंड फ्रूट्स को भी इंक्लूड कीजिए पर यह कितना हद तक पॉसिबल है आप खुद सोच के देखिए ठीक है इवन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन भी यही रिकमेंड किया है आपके नेचुरल डाइट को डाइवर्स रखिए मतलब तरह तरह की चीज़ें खा जा खा लीजिए तब आपके शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा पर ये जो ये लोग बोल रहा है ये कितना हद तक पॉसिबल है कितना हद तक पॉसिबल हुआ है इन रिसेंट ईय ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डब्ल्यू जैसे इंस्टीट्यूशन का रिपोर्ट हमें कहता है इंडिया में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी प्रॉब्लम्स है तो गवर्नमेंट को इस तरह की स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेके आना भी जरूरी है है कि नहीं दोस्तों तो ये जो जो रूल गवर्नमेंट लेके आ रहा है ये सही है या गलत है ये आप लोग ही बताइए ठीक है तो दोस्तों दैट एंड ऑफ इट ए वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों की वैल्यूबल सजेशन एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा लेक्चर की पी डी एफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई है नाइस डे